वो विषय है हाउ टू ओवरकम डिसअपॉइंटमेंट फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन, निराशा पर हम कैसे जयवंत हो। क्यों इस विषय पर अध्ययन करना है, हमने डर पर कैसे जय प्राप्त की जाए उस पर देखा है, हमने दुखों पर कैसे जय प्राप्त करें उस पर भी देखा है, अभी निराशा पर जयवंत क्यों होना है। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक परिस्थिति में है, वो आज नौकरियां छूट गई है, उनका सेविंग्स खत्म हुआ है, उनके पास पैसा नहीं है। इन हालातों में आज कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। निराशा जब आती है तो 100% मौत उसको घेरती है, लेकिन हमें निराशा घेरेगी। हमने देखा इब्राहिम के जीवन से कि उसने खुदा का दर्शन देखा, मलकीसदेक मतलब यीशु मसीह का दर्शन दिया, उसने 5 राजा को मारा, वो हेब्रोन में रहता था, खुदा का स्वर्गदूत उसके साथ बात करता था, खुदा भी उसके साथ बात करता था, उसके बावजूद इब्राहिम कहीं ना कहीं निराश था और वो कह रहा था क्या मेरा वारिस मेरा नौकर बनेगा। लेकिन खुदावन ने उसको उत्साहित किया, वचन के द्वारा उससे बात की और उसको फिर से एक बार खड़ा किया। और यही बात रोमियो 4:18 में हम देखते हैं कि इब्राहिम ने इस निराशा में आशा रखते हुए वचन पर प्रतिज्ञा पे ईमान रखा, इसलिए उसकी 100 साल की उम्र की वो बुढ़ापे की परिस्थिति और उसकी पत्नी की 90 साल की बुढ़ापे की परिस्थिति, जो मरी हुई हालात में भी प्रतिज्ञा पे ईमान रखने की वजह से खुदावंद ने इसहाक नाम का खुशी का माहौल उसके जीवन में दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी बात पर हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए हमने जिस वचन का चुनाव किया है आपको याद होगा नीति वचन उसका 3rd अध्याय और वचन 5 से लेके आगे। यहाँ पर अगर उसे देखने वाला या जो देखेगा अगर कोई निराश है, मायूस है, डिप्रेस है, डिसअपॉइंटमेंट में है, कहीं ना कहीं आज डिप्रेशन में है, आइए ये वचन आपका डिप्रेशन दूर करेगा। आइए खुदा का वचन आपको तरोताजा करेगा, आइए खुदा का वचन आपको एक ताजा मस्सा करेगा। और बाइबल कहती है खुदा का मस्सा जुए को तोड़ देता है। मस्सा मतलब अनॉइंटिंग, अभिषेक, अभिषेक जुए को तोड़ता है। आमीन। आइए वचन का वो मस्सा या वो अभिषेक या वो अनॉइंटिंग हम लेते ताकि हमारे जीवन में शायद कहीं ना कहीं हम पारिवारिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, स्कूल कॉलेज के क्षेत्र में, पढ़ाई में, वैवाहिक जीवन में, रिश्ते नातों में, सेवकाई में कहीं ना कहीं निराशा है। और इस निराशा के जुए को अगर तोड़ना है तो अभिषेक की जरूरत है। और अभिषेक कहाँ से आता है, तो अभिषेक खुदा के फ्रेश वचन के रेवलेशन में आता है। जब वचन आता है तो वचन का खुदा आता है, और जब वचन का खुदा आता है तो बंधन टूट जाते हैं। आमीन। आइए वचन को पढ़ो, आज मनन करते हैं नीति वचन उसका 3rd अध्याय वचन 5 से लेके आगे। तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नको, तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल। आमेन। हालेलुया। मेरी हिंदी बाइबल में दिया है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। तू अपनी समझ का सहारा मतलब क्या होता है बताए, कुछ लोग अपने तजुर्बे का सहारा लेते, कुछ लोग अपने ज्ञान का सहारा लेते, कुछ लोग अपनी ताकत का सहारा लेते, कुछ लोग अपने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स का सहारा लेते। लेकिन 2021 में अप्रैल महीना अगर आप देखोगे तो इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बुद्धिमान, धनवान, बड़ी शोहरत, बड़ी दौलत रखने वाले लोग इस दुनिया से चल बसे, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। इसीलिए बाइबल कहती है कि अगर मुझे देखने वाला अगर पारिवारिक क्षेत्र में बच्चों की ओर से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे वो प्राप्त ना करने की वजह से, बिजनेस या नौकरी में कामयाबी ना मिलने की वजह से, या बच्चे ना होने की वजह से, परिवार के दान तनाव में, या आपके जीवन में सेवकाई के प्रॉब्लम, खाने पीने के प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम,
वैवाहिक जीवन के प्रॉब्लम, पति का श्रम विटल आपने या नाना प्रकार की बातों में अगर कोई फ्रस्ट्रेशन में है तो उनके लिए खुदा का कलाम नीति वचन 3:5 में कहता है, अब तक तूने बहुत तेरी समझ का सहारा लिया है, लेकिन है परमेश्वर के पुत्र आज यहाँ पर तुम्हें बताया जा रहा है, परमेश्वर की कन्या गौर से सुन, तू अपनी बुद्धि के समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। वो तेरे भरोसे को टूटने नहीं देगा। अगर तू सबको छोड़कर तेरा ज्ञान, तेरी पहचान, तेरी शौहरत, तेरी दौलत, इन सभी बातों को एक्साइट करते हुए जब आप परमेश्वर के ऊपर पूरे मन से भरोसा करोगे तो बाइबल कहती है उसी को स्मरण करते हुए अपना काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। हालेलुया। कब तुम्हारी इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की निराशा में, फैमिली प्रॉब्लम की निराशा में, बीमारी की प्रॉब्लम की निराशा में, रिश्ते नातों की निराशा में, इन सभी प्रकार की निराशाओं में आपने आपकी बुद्धि का सहारा लेकर आपने आपका रास्ता खोजने की कोशिश की है, लेकिन आप और मैं शायद नाकामयाब हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए, लेकिन मुझे आपको बताना है अब इन सब बातों को बुलाकर अपनी बुद्धि का सहारा ना लेते हुए, अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए पूरा भरोसा यहोवा पर अगर हम रखेंगे तो बाइबल कहती है कि वो तेरे लिए एक नया मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा, वो आपके लिए एक नई चंगाई भेजेगा, वो आपके लिए बरकत भेजेगा, शांति भेजेगा, आशीष भेजेगा, बंधनों के ऊपर आपको जयवंत करेगा। कब? जब आप आपके सारे मार्गों में, मराठी में दिया है कि तू अपने सारे मार्ग में उसका आदर कर। आदर करना मतलब क्या है पता है? आप कुछ नहीं करना है, प्रभु तू जैसा चाहता है। अब तक मैंने बहुत प्रयत्न किया है, बहुत मैंने मेरे जीवन में कोशिश की है, लेकिन अभी मैं कोशिश नहीं करूंगा। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ जो पिछले वक्त मैंने बताया, भाई सूरज प्रमाणी का एक सिंपल मैसेज है, वो कहते हैं आप केवल घड़े में से पानी निकालने का काम करो, भरने का काम करो, दाखरस बनाने की कोशिश मत करो, दाखरस बनाने का काम उसका है। आमेन। आप केवल पत्थर लुढ़काने का काम करो, मुर्दा जिलाने की कोशिश मत करो, आप पत्थर लुढ़काओ वो मुर्दा जिंदा करेगा। आपके पास जो है वो केवल उसको समर्पित करो, 5 रोटी 2 मछली वो खुदा के हाथ में दे दो, आप 5,000 लोगों की फिक्र मत करो। ये कोशिश करते करते लोग बीमार हो जाते हैं, कहां पर? मन में। अगर मन बीमार है ना तो व्यक्ति का शरीर कितना भी पावरफुल हो कुछ काम का नहीं है। अगर मन चंगा है, बाइबल कहता है कि आनंदी हृदय एक बेहतरीन दवाई है। अगर आपका मन आनंदित है तो वही बातें आपके लिए बेहतरीन दवाई का काम करती है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं निराशाओं में पड़े हुए, इन निराशाओं में अगर आपको बाहर आना है, मुझे देखने वाला अगर मेरा भाई, मेरी बहन या जो भी नौकरी या बिजनेस कर रहे, अगर आपके जीवन में अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप निराशा में जीवन जी रहे हो, इस निराशा से बाहर आना है तो केवल और केवल आपको सभी बातों को भुलाकर, सभी आपके जीवन की नकारात्मक बातें, आपके जीवन के दुखों को भुलाकर आपको नई शुरुआत करते हुए नीति वचन 3:5 के अनुसार अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए पूरा भरोसा यहोवा पे रखते हुए अपने सारे मार्गों में उसका आदर करते हुए जब आप चलोगे तो बाइबल का परमेश्वर कहता है तब वो तेरे लिए एक सीधा मार्ग बनाएगा। आपके बच्चों के करियर के लिए आप चिंतित हो, उनकी शादी ब्याह के लिए चिंतित हो, उनके जॉब के लिए चिंतित हो, सर पे कर्जे का बोझा बढ़ गया उसके लिए चिंतित हो, आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, एक ठीक हुआ तो दूसरा खड़ा होता है, ये सारी बातों ने एक बड़ी भीड़ को निराश बनाया है। और फिर से बताना चाहता हूँ, निराशा ये शैतान का सबसे अव्वल दर्जे का हथियार है।
जब ये निराशा आती है ना, तो शैतान को उस व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति खुद ब खुद अपनी खुदकुशी करते हुए, सुसाइड करते हुए अपना जीवन खत्म कर देता है। लेकिन जिसके जीवन में वचन की आशा आती है ना, वो मरने की कगार पे क्यों ना हो, वो मुर्दे से जिंदा होके जो उसने खोया है उसे सौ गुना प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अजीजो, इन दिनों में अपनी समझ का सहारा मत लेना। इन दिनों में आपको अगर सहारा लेना है तो परमेश्वर की उपस्थिति का, उसके वचन का आपको सहारा लेना होगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन के ऊपर अभी इब्राहिम के जीवन के बाद हमने एक ऐसी स्त्री के जीवन से देखा जिस स्त्री का नाम है हन्ना। अब हन्ना अपने जीवन में बहुत ही निराशा में थी, लेकिन हन्ना की एक बेस्ट क्वालिटी क्या थी पता है? हन्ना को उकसाया जाता था, हन्ना को वहां पर उसकी सौतन उसको ताने मारती थी, उसको बच्चे नहीं थी, और उस परिस्थिति में उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। और हन्ना उसके बावजूद एक बेहतरीन बात हमें सिखाती है, उसके जीवन में बच्चे की आशीष नहीं थी, उस निराशा में वो थी, लेकिन उस निराशा में वो घर में नहीं बैठती थी, तो उस परिस्थिति में भी वो यहोवा के भवन आती थी। हालेलुया। और उस भवन में आती थी लोगों के सामने नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए आंसू बहाती थी। खुदावन ने उन आंसू को देखकर उस पर अपने प्रसन्न होने वाले चिन्ह दिए, और उसको संतान थोड़ी लेट मिली, लेकिन ऐसी बेस्ट संतान मिली जिस संतान का नाम ही है यहोवा सुनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस शमूएल नबी का जन्म जिस कोख में हुआ, उस शमूएल नाम के न्यायी का जिस कोख में जन्म हुआ, उस शमूएल नाम के महायाजक का जिस कोख में जन्म लिया, वो कोख जिस व्यक्ति की थी वो निराशा में थी, लेकिन निराशा के बावजूद वो खुदा के भवन से दूर नहीं थी। बहुत सारे लोग निराश होने के बाद क्या मिला हमें, कैसा होगा, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, नौकरी रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ लोग प्रार्थना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, आराधना करना बंद कर देते हैं, और दुष्ट यही चाहता है। बहुत प्रार्थना करते हो ना, अभी करो, लेकिन आपके जीवन में दुख हो या सुख हो, आपका बाइबल रीडिंग बंद नहीं होना चाहिए, बीमारी हो या चंगाई हो, आपका प्रार्थना जीवन बंद नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का एक महान दास, जिसे एक नाम दिया गया है अपोस्टल ऑफ लव, अंकल डीजेएस दिनाकरन, दिनाकरन मिनिस्ट्री के संस्थापक, जीसस कॉल मिनिस्ट्री के, वो बिस्तर में गिरे गिरे लेटे लेटे हजारों लोगों के लिए दुआ करते थे, उनकी चिट्ठियों को जवाब लिख कर देते थे। इसीलिए जीसस कॉल मिनिस्ट्री आज उस लेवल पे है, अभी का माहौल नहीं मुझे बता रहा है, लेकिन जिसने इस मिनिस्ट्री की नींव रखी ना, वो व्यक्ति की प्रार्थनाओं के द्वारा अंधे ठीक हो गए, पैरालाइज ठीक हो गए, कैंसर पेशेंट ठीक हो गए, लेकिन वो व्यक्ति बीमारी में आखिरी दम तक था, उसको व्हील चेयर पर से उसको बिठाकर लाया जाता था, लेकिन जब वो खड़ा होता था तो बीमारों को चंगाई मिलती थी, बंधन टूटते थे, लोगों का जीवन बदल जाता था प्रचार के बाद, लेकिन वो खुद एक ऐसी बीमारी में था। लेकिन उनका जीवन हमें सिखाता है कि निराशा में हो, लेकिन आपको आशा के दाता को छोड़ना नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने जहां पर पिछले महीने में खत्म किया था, और वहां पर हमने एक बात देखी थी हन्ना के जीवन से, हन्ना को ताने मारे जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुदा के भवन में आती थी। और बाइबल कहती है, एक वचन हम पढ़ेंगे 12 वचन से आगे क्या कहता है वचन, देखो, परमेश्वरा जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, एली उसके मुख को ताक रहा था, उस मंदिर का याजक एली, उस मैं सोचा कि उस वक्त मंदिर में बहुत सारी स्त्रियां होगी, लेकिन एली उसकी ओर क्यों देख रहा था, एली उसकी ओर क्यों ताक रहा था, क्योंकि वो दुआ इस तरीके से तड़प तड़प के कर रही थी।
इतना दर्द के साथ कर रही थी, लेकिन एली ये बात समझ नहीं पाया, उसको कुछ अलग बात लगी। देखो आगे, हन्ना मनातल्या मनात बोलत होती। हन्ना मन के मन में ये कह रही थी, प्रभु मुझे बच्चा दे दे, प्रभु मेरी कोख जो सुनी है उसको तो हरी भरी कर दे। तिचे ओठ हलत होते, उसके होठ हिल रहे थे, वाइब्रेट हो रहे थे, पण तिचा शब्द ऐकू येत नव्हता। परंतु उसका शब्द सुनने को नहीं आ रहा था। म्हणून एली वाटले की, इसलिए एली को ऐसा लगा ती दारूच्या नशेत असावी, शायद ये मदिरा की नशा में हो रहेगी। एली तिला म्हणाला, तब एली ने उससे कहा, तू अशी पोटभर नशेत राहणार, तू कब तक नशे में रहेगी, तू या आपल्या द्राक्ष रसाच्या नशेतून मुक्त हो, अपने नशा से मुक्त हो जा। हन्ना त्यास म्हणाली, तब हन्ना ने एली को कहा, माझे स्वामी, हे मेरे स्वामी, आज की अगर हन्ना होती थी ना, तो प्रार्थना वगैरह सब छोड़ती थी और उस पास्टर के साथ ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी। आपने मुझे ये बात कही कैसे? आप सोचो, इमेजिन करो, उसकी सौतल उसको ताने मार रही है। आपको बताओ, समाज में एक बात ऐसी होती थी उस वक्त, अगर किसी को ऐसी परिस्थिति है ना, तो ऐसा तर्क लगाया जाता था कि शायद ये स्त्री ने अपने जवानी के दिनों में कुछ कुकर्म किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने इसकी कोख बंद कर दिए। घर के ताने, लोगों के ताने, ये सब सुन सुनकर सालों से हन्ना एक ऐसे दर्द में थी, दुख में थी। और मंदिर में आने के बाद मंदिर का रखवाला, मंदिर का व्यवस्थापक, मंदिर चलाने वाला आध्यात्मिक क्षेत्र का व्यक्ति भी उसको समझ नहीं पा रहे। हम कभी कभी दुखी होते ना, हम हमारे अपने आप को समझ नहीं पाते, हमारे दिल को समझ नहीं पाते, हमारी क्या इच्छा है, हमारे मन में क्या है उनके लिए समझ नहीं पाते। अब जब हमारे अपने हमारे खिलाफ होकर कुछ बोलते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। आप इमेजिन करो, आप कल्पना करो, हन्ना के ऊपर क्या बीती होगी कि वो याजक, आप वहां पे कुछ आप लोग भी होंगे, उन लोगों के सामने याजक उसको इंसल्ट करते हुए कहता है, तू कब तक नशे में रहेगी। लेकिन हन्ना दुख की घोर खाई में थी, गहरी खाई में थी। अगर हन्ना आज की होती थी तो वो पलट कर उस याजक को एक करारा जवाब दे सकती थी, लेकिन हन्ना तब भी यहाँ पे बाद में दिखती है, निराशा में हो, लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपको चिल्लाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अपनी शांति को ढलने मत देना, उन लोगों से अदब के साथ, इज्जत के साथ, आदर से बात करो। एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा व्यक्तिमत्व हमें हन्ना के जीवन से दिखता है। देखो आगे क्या हुआ, मैं दुखी हृदय की स्त्री हूँ स्वामी, मैं नशा नहीं की हूँ, अगर मैं नशा करती थी तो मैं कहीं पर झुक पर गिरती थी, लेकिन मैं परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के भवन में आई हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ स्वामी, मैं दुखों के कारण टूटी हुई हूँ, इसलिए मेरे होठ थरथरा रहे हैं, मैं वीक हो गई हूँ, मैं कमजोर हो गई हूँ, इसलिए मेरी परिस्थिति वैसी है। आगे, मैंने ना तो दात मधु पिया है और ना ही मदिरा पिया है, मैं परमेश्वरा समोर मन मोकळे करून बोलत होते, मैं यहोवा के सामने मेरा मन खोलकर बात कर रही हूँ। हालेलुया। आपको निराशा में होना तो हन्ना हमें सबक देती है, निराशा में खुदा का भवन मत छोड़ो, निराशा में प्रार्थना, आराधना, बाइबल पढ़ना बंद मत करो, निराशा में किसी व्यक्ति के सामने अपना मन मत खोलो, तो अपना मन अगर खोलना है तो यहोवा के सामने। हालेलुया। अगर हम इस परिस्थिति में अगर अपना मन हमारे जीवित परमेश्वर के सामने खोलते ना, तो वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर हमारी जरूरतों को, हमारी मांग और हमारी कल्पनाओं से अधिक बड़े क्षेत्र में पूरा करता है। उसने कहा कि मैं यहोवा के सामने मेरा मन खोल रही हूँ स्वामी। आगे, मैं आपकी दासी कोई अदम स्त्री आया से समझू नका, मैं आपकी दासी कोई नंबर ओके आपकी दासी को ओछी स्त्री ना जाना ना जान, मला चित्त वक्लेश मनस्वी झाल्यामुळे मी एवढा वेळ बोलत होते, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने से और चिढ़ाई जाने के कारण से कहा है। उसको बहुत चिढ़ाया जाता था, उसे शोकित किया जाता था,
उसको दुखी किया जाता था, लेकिन इस दुख को लेकर हन्ना अपने मायके नहीं गई। हन्ना अपने मायके जाकर ये अपने मायके वालों को जाके डिस्टर्ब नहीं किया, देख मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति है, ना बाप को बोला ना माँ को बोला, वो अपने आसमानी बाप के पास जाकर अपना मन खोल के दी। अगर आपके ससुराल में आपको तकलीफ है, अगर आपके ससुराल में आपको प्रॉब्लम है, तो आपके मायके में जाकर ये प्रॉब्लम मत बताओ। अगर आपको ये प्रॉब्लम बताना है तो आपका आसमानी बाप वो यीशु उसके पास आकर अपने प्रॉब्लम आंसू के साथ बताओ, वो आपकी परिस्थिति को और आपके ससुराल के लोगों को बदल देगा। हालेलुया। आगे को खराब लगा होगा, अरे अरे मैंने गलत स्त्री को, एक अच्छी स्त्री को मैंने गलत बोल दिया, मेरा तब गलत निकला, ये तो दुखी है, ये तो समस्या में है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू शोकित क्यों है, तू चिढ़ाई क्यों जा रही है, उसके लिए ये काफी था। उसे समझ में आया कि इसकी शोकित इसलिए इसको चिढ़ाई से जा रहा है, शायद इसको बच्चे नहीं है, समझने वालों को इशारा काफी है। और वो ये भी आज ये जाना और जानकर वो क्या कहता है, देखो तू सुखाने जा, कुशल से चली जा, इसराइल देवा कड़े से मांगने तू केले आगे, इसराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। उसको इस निराशा में आशा की अच्छी किरण देखी, कहा से एक याचक, जो याजक पहले उसका न्याय करता है, जो याजक उसको तुच्छ समझता है, लेकिन जब उस याजक को अपनी परिस्थिति बताता है, वही याजक उसको प्रोत्साहित करता है, कुशल से जा बेटी, इज़राइल के परमेश्वर के पास जो वर तूने आके मांगा है वो तेरे सारे मनोकामनाओं को पूरा कर। हालेलुया। आगे उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, स्त्री ने परत जाऊ अन्न सेवन केले, तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया, वयानंतर तिचा चेहरा उदास राहिला नाही। बहुत जबरदस्त वचन है ये, बाइबल कहता है वो भवन से चली आनंद से भर के, वो जिसने खाना त्याग दिया था उसने आके खाना खाया, और बाइबल कहता है उस दिन के बाद उस समय के बाद उसका चेहरा उदास नहीं था। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे हमेशा 12 बजे हुए रहते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, घर परिवार में प्रॉब्लम, बीमारी, नौकरी उसमें समस्या, नाना प्रकार की परिस्थिति, उनका चेहरा उदास रहता है। मुझे आपको बताना है, हन्ना उसने पाया नहीं, लेकिन पाने से पहले उसके अंदर ये विश्वास आ गया कि मेरी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना मेरी दुहाई सुन ली है, और इसलिए याजक के द्वारा कहा गया वो बातें जल्दी पूरी होगी, उसका चेहरा शमूएल नबी का जन्म होने तक उसका चेहरा कभी उदास नहीं रहा। आपको हन्ना एक सबक सिखा रही है, एक संदेश दे रही है, आपकी परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन उस परमेश्वर के पास आपने मांगा है वो आपकी जरूर आपके अरमानों को पूरा करेगा, आपके ख्वाहिशों को पूरा करेगा, आपके ख्वाबों को पूरा करेगा। अब आपका चेहरा उदास ना हो, जो निराश चेहरे के लोग है, जो उदास चेहरे के लोग है वो आनंदित हो जाए। आमीन। आगे मंडली अगली पार्टी सुन, परमेश्वराला वंदन करून रामा येथे आपल्या घरी परत गेले। वे सवेरे उठे, मतलब हन्ना की सौतन पनिना, उसके बच्चे, उसका पति रुकाना, ये सारे सवेरे उठकर मंदिर में गए, यहोवा को दंडवत किया और अपने घर रामा को लौट गए। मग एलकाना ने आपल्या स्त्री जाणीले, एलकाना ने अपने स्त्री के पास गया आणि परमेश्वराने तिची आठवण केली। वाव, ते बाइबल में दिया है यहोवा ने हन्ना की सुनी ली। यहोवा ने उस हन्ना की सुनी ली जिसको चिढ़ाया जाता था, यहोवा ने उस हन्ना की सुनी ली जिसको दुखी किया जाता था, यहोवा ने उस हन्ना को सुनी ली जिसको जमाना ताना मार रहा था। आज आपकी रात है, आज की रात यहोवा आपकी निराशा में आपकी सुनी लेगा। अगर आज भी आप कहते प्रभु आज मेरे जीवन में काम कर, मैं केवल शारीरिक बच्चे होने की आशीष की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद आप भी कहीं ना कहीं उस बांझपन से गुजर रहे हो। हन्ना का बांझपन बच्चे ना होने का बांझपन था,
लेकिन मुझे दिखने वाले ऐसे कुछ लोग हैं जिनके सक्सेस को बांच का वो प्रॉब्लम है, कुछ लोग ऐसे जिनकी चंगाई को बांच बनाए इतने सालों से बीमार है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बरकत को बांझपन आया हुआ है इसलिए कर्जे में है, जिनके परिवार की शांति और आनंद को बांझपन आया है इसलिए परिवार में शांति आनंद नहीं है, जिनके मेहनत करने के बावजूद भी उनके जीवन में सक्सेस नहीं मिल रहा है उनके जीवन में उस सक्सेस को बांझपन आया है। अगर आपको इस बांझपन की समस्या से बाहर निकालना है तो आपको हन्ना को फॉलो करना होगा। हन्ना उस बांझपन की परिस्थिति में लोग के आज आपको लोग ताने मारते, अरे कितने साल से उधर ही है तू, अरे कितने साल से आप किराए के घर में रहते हो, कभी लोग है खुद का घर, शायद आपके लिए लोग आर्थिक क्षेत्र में ताने मारते होंगे, आपके बच्चे बिगड़े हुए, आपके बच्चे गलत राह पे, शायद उसके वजह से ताने मारते है क्या, कुछ लोगों के घर की इज्जत को बांझपन लगा हुआ है, घर बड़ा है लेकिन इज्जत नहीं है, चरित्र नहीं है, आपका चरित्र बन सकता है, आपकी बरकत की आशीष खुल सकती है, आपके परिवार में शांति आनंद आ सकता है, आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। कब? अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको फेथफुल होने की जरूरत है, आपको आखिरी सांस तक फेथफुल होने की जरूरत है। बाइबल यहाँ पे कहती है हन्ना मंदिर में जाती थी, परिस्थिति बनती रही थी, हन्ना लोगों के सामने नहीं अपने परमेश्वर के सामने होठ उसके थरथराते थे, आंसू उसके बहते थे, हन्ना याजक की वो नेगेटिव बात सुनने के बाद भी उसने अपना प्रॉब्लम बताया और उसको जब जवाब मिला बाइबल कहता है उसने जाके खाना खाया, आनंद किया, क्योंकि उसको पूरा यकीन हुआ कि परमेश्वर मुझे जरूर मेरी सुधि लेगा। और बाइबल यहाँ पे कहती है यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। अगर हजारों साल पहले खुदावर ने यहोवा की परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली है, आज रात आपकी सुधि लेगा। आमीन, हालेलुया। आगे क्या प्रकार है? इस प्रकार से हन्ना गर्भवती हुई। आप भी बरकत से गर्भधारणा करोगे, शांति की गर्भधारणा करोगे, चंगाई की गर्भधारणा करोगे, कामयाबी की गर्भधारणा करोगे। कब? जब आप इस तरीके से निराशा की भूमि से उठकर आशा की भूमि पर आकर आशा के दाता परमेश्वर यीशु के पास आओगे तो निश्चय खुदावन आपकी जो जिस क्षेत्र की बंद है उसको खोलकर आपको भी आशीषित करते हुए आपको आशीष की गर्भधारणा देगा। आगे दिवस पूरे हो गए और दिन पूरे होने के बाद पुत्र सारा उसे पुत्र हुआ परमेश्वर कड़े मांगितेला असे म्हणून तिने त्याचे नाव शमूएल असे ठेवले। उसने कहा परमेश्वर से मांगा हुआ इसलिए उसका नाम शमूएल कहा। शमूएल का और भी एक अर्थ है यहोवा की सुनने वाला, इसलिए तो वो कहता है ना बोल यहोवा सुनता तेरा दास। आज शमूएल नाम के लोग हैं लेकिन उनको खुदा की नहीं सुनते लोग। शमूएल नाम होना इसका मतलब खुदा का सुनता या संसार का सुनता है। आगे मग एकाला परमेश्वराला आपले वार्षिक होम बलि अर्पण्यास वनवास फेडण्यास आपल्या सगळ्या परिवारासह गेला। बस हम ये पॉइंट आगे कल देखेंगे कि कैसे उसने निराशा पर जयवंत होने के बाद परमेश्वर ने उसको कैसे उसको ब्लेस किया। हम मंगलवार की जो हमारी सभा होगी उसमें हम उसके आगे के पॉइंट देखेंगे। आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या पाया? एक शोकी स्त्री, एक चिढ़ाई हुई स्त्री, एक ताने कंटिन्यू सुनने वाली स्त्री, उसके जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं उस गिल्ट में रहने वाली, वो अपने आप को दोषी समझने वाली, लेकिन एक अच्छी बात क्या थी बताए? इन परिस्थितियों के बावजूद वो खुदा से दूर नहीं। आप खुदा से दूर जाओगे ना निराशा आपका नाश करेगी, लेकिन निराशा में भी इब्राहिम के नाई, यहोशू के नाई और हन्ना के नाई, जब आप खुदा के करीब आओगे, परिस्थिति बदले या ना बदले, वे परमेश्वर के करीब आओगे, खुदावन आपकी सुधि लेगा। उस के हाथ का व्यक्ति, उसको भी ताने मारे जाते थे, उसको भी नहीं वो बातें सुनाई जाती थी, लेकिन वो यहोवा के भवन में जाता था
इसीलिए यीशु मसीह ने आया और उसको बुलाया और उसको चंगा किया। हन्ना की कोख क्यों खुली, हन्ना की सुधी क्यों ली गई परमेश्वर ने ली? उसका कारण हन्ना उन परिस्थितियों में यहोवा पे दोष नहीं लगा रही थी, वो जाकर आंसू के साथ दुआ करती थी, वो लोगों को ताने के बदले ताने नहीं देती थी। उसको एलियाजक ने उसको अपमानित किया, लेकिन वो गुस्से से मंदिर से बाहर चली नहीं गई। आज कितने ऐसे लोग हैं, कहीं पर पासवान कुछ कहते तो गुस्से से चल छोड़ के चले जाते। हन्ना को जलील किया गया था लोगों के सामने, हन्ना को ये दोष लगाया गया था कि क्या तू पियक्कड़ है, क्या अभी भी तेरी नशा उतरी नहीं। लेकिन हन्ना ने इस बात को गलत रीति से नहीं लिया, हन्ना ने एलियाजक को कहा, मेरे स्वामी मैं नशा में नहीं हूँ, ना मैंने दाक मधु पिया है, ना मैंने मदिरा पिए, मेरे जीवन में मैं शोकित हूँ, चाही गई हूँ, मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं आंसू के साथ होंठ थरथराते हुए बहुत ही दुख की उस वेदना के साथ दर्द के साथ मैं दुआ कर रही हूँ। तब एलकाना एली ने समझा कि हाँ ये स्त्री जेन्यून है, और वो कहता है जा इसराइल के परमेश्वर से जो तूने मांगा है वो परमेश्वर तुझे मऊ मांगा वो इनाम दे दे। उसने घर जाकर खाना खाया, उसका मन उदास नहीं हुआ। अगर आपका आज चेहरा उदास है, इस उदासी से आ जाओ, उदासी को निकाल दो, ये उदासी का चोला निकाल दो। वो खुदावन ने हमें उदासी का वो वस्त्र जो उदासी की टाट है उसको निकाल कर दाऊद कहता है मुझे वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहनाओ। परमेश्वर परिस्थिति खराब है, फिर भी उसकी आराधना करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, दुआएं करो, खुदावन आपकी सुधि लेगा। जैसे बाइबल कहती है यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और उसे शाऊएल नाम का बेटा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मुंह मांगा वो वर देगा। फिर बरकत चाहिए, शांति चाहिए, चंगाई चाहिए, बच्चे चाहिए, परिवार चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, एक अच्छा करियर चाहिए, परमेश्वर के पास आओ। उदासी छोड़ दो, उदासी को निकाल कर अभी आप आनंद से उसके पास आओ। इसीलिए पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को फिलिपियों 4:4 में कहता है प्रभु में आनंद करो, फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। प्रभु का आनंद उदासी को निकाल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे यीशु का ये वादा मांगो तो पाओगे, अगर रात को रोना पड़े सुबह मगर हंसोगे, मायूस ना हो आए ना भरो, प्रार्थना करो मायूस ना हो ना भरो, प्रार्थना करो जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना आपकी उदासी को हटा देगा। रोते हुए करो, शोकित मन से करो, आंसू बहाते हुए करो, लेकिन करो। जो हन्ना ने किया वो आपको करना है।